धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि बड़गोंदा राइफल डकैती कांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि धार जिले के लगातार हो रही लूटपाट डकैती जैसी घटनाओं को अंकुश लगाने के लिए समय समय पर अभियान चलाए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार तथा SDOP दिलीप सिंह बिलवाल के मार्गदर्शन में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें पुलिस ने कुख्यात बदमाश सोमाल को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। यह कुख्यात बदमाश सोमला अपने साथियों के साथ ही मिलकर धार सहित कई जिलों में गंभीर वारदातों को अंजाम दे चुका है और 2017 से फरार चल रहा था, जिसने धार सहित कई राज्यों में डकैती जैसी अनेक घटनाओं को अंजाम दिया है। आज धार पुलिस के सभागार में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें हमारी टीम, जिसमें एडिशनल SP देवेंद्र पाटीदार, SDOP कुक्षी बिलवाल और थाना प्रभारी टांडा विजय वास्के और उनकी टीम ने एक इनामी बदमाश को पकड़ा है, जिसका नाम सोमला पिता बदन सिंह, जो थाना बोरी क्षेत्र का रहने वाला है। ये करीब 65,000 का इनाम है सोमला पे, और ये बड़गोंदा क्षेत्र में इंदौर ग्रामीण में हुई राइफल लूट की घटना, उसके अलावा बेटमा में दो घटनाएं, जिसमें एक घर में घुस के लूट की घटना और एक हथियार लूटने की घटना, और उसके अलावा सांवेर में एक घर में घुस के लूट करने की घटना में फरार था। इस पर करीब 65,000 का इनाम है। इसको एक इसके साथी के साथ पकड़ा गया है डकैती की योजना बनाते हुए, और ये उस इलाके में वर्क करने वाला एक बड़ा अपराधी है, जिसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है।